यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया था तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। जिन बच्चों की फीस रह गई है वो अब 8 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। पहले जो था यूनिवर्सिटी ने 25 डेट दी थी, फिर 20 अब डेट दी थी, उसके बाद जो सा डेट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी, फिर 30 जो थी फुल एंड फाइनल थी। लेकिन अभी भी फ्रेश एडमिशन वालों के लिए नहीं, बल्कि जस्ट ये उनके लिए है फैसिलिटीज़ जो पहले से कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, उनको 30 तारीख से मजीद 8 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो कंटिन्यू स्टूडेंट है, ताकि वो अपना सेमेस्टर वेस्ट होने से बचा सके। इसलिए यूनिवर्सिटी की कोशिश है, बार बार वो टाइम दे रहे हैं कि जिन बच्चों की रह गई है फीस को जमा करवा दें। और एक बात कि यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने खुद अप्लाई की थी लेकिन इन्होंने कोई भी नहीं की। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ये लोग खुद अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं सिर्फ हर चीज़। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हर काम जो है रेफरेंस से या पैसे से चलता है, तो इसलिए बेहतर यह है कि कोई भी स्कॉलरशिप अगर जिन जिन्होंने अप्लाई किया वो कोई भी उससे उम्मीद ना रखे, और उसके अलावा अपनी फ़ीस जो थी जमा करवा दें, बेशक उसके सेमेस्टर वेस्ट ना हो जाए। तो चाहे किसी से पकड़ के करवाइए, जैसे भी करें अपनी फ़ीस को जो है पहले पहले सबमिट करवा दें, कोशिश करें ताकि आपका जल्दी से एडमिशन कन्फर्म और आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रह सके। बाकी ये बहुत गंदी यूनिवर्सिटी है, इसमें यहाँ पर एडमिशन ना ही लेना बेस्ट है। अगर आप एडमिशन गलती से लेके मेरी तरह फंस गए हुए हैं तो फिर अपनी डिग्री को कंप्लीट करें और इसको अल्लाह हाफिज़ कहें जैसे ही आपकी डिग्री ख़त्म होती है।